सियासत व्यापार खेडां ते फिल्म जगत दे नाल देश दुनिया दी हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो देश दी नंबर वन न्यूज ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। बेअदबी मामलों के DIG रणवीर सिंह खटड़ा की सिट वालों 11 बंदियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया जिदे 11 के 11 ही डेरा प्रेमी से डेरे का मुखी राम रहीम मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर उन्होंने शामिल किया है। परंतु इस सिट का जो ये मामला दर्ज किया गया उन्हें CBI की कोर्ट के CBI वालों चैलेंज किया गया कि सारा कुछ गलत हो रहा है तो इन्हों की जाँच गलत है क्योंकि वो CBI के कोल ही अजे तक सारे अधिकार ने जो कि अकाली भाजपा सरकार ने उन्होंने 2015 के दते से। अज बल साहब मेरे नाल है इस वक्त सीनियर वकील तो बल साहब की गल हुई उ मैं तो एडवोकेट हाँ जी इस केस के कंप्लेनेंट का जी ए अज केस लग्या होया CBI की एप्लीकेशन से जिते कहते रिस्ट्रेन करो पंजाब पुलिस को इन फर्दर इनवैसटीगेशन करने वास्ते तो उन्होंने कहा कि ऑनरेबल कोर्ट में पास एनी अदर ऑर्डर इज डीम्स फिट तो उन्होंने बाकी रिकॉर्ड भी मंगवाया है। हूँ जी ये बड़ा सिंपल सिया कि इन्हों की एक जी SLP हैगी डिसमिस हो चुकी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एप्लीकेशन पेंडिंग। बल साहब CBI ने यह पलील दी है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के भी पेंडिंग पे है तो उदों तक यह जाँच रोकी जाए DIG खटड़ा में रोकया जाए कागज जब्त किए जाए। असी यह क्या कि असं तो कंप्लेनेंट हाँ वी वॉन्ट इट टू कंकलूड एट द अर्लीएसट ए कर ले बी कर ले सी कर ले कोई इनवैसटिगेटिंग एजेंसी कंकलूड करके चलान दे तो असं जाके प्रोसीक्यूशन विटनेस बन के स्टेटमेंट दईए तो गल कंकलूड हो। Why should it be lingered on? If two investigating agencies are having issues among themselves, जिन्हें कंप्लीट करती उस बयान दे देना हैगा जे इतने होंगे असं इतने दे दें उत्थे तो असं उत्थे दे देना हैगा। सो असी चाहते हाँ कि इन्हों ड्रैग ऑन तो डिले ना किया जाए जे किसी ने करता है तो उत्थे बयान हो जाए लेट इट कंकलूड साडा भी हक साडी भी हक असी होए असी कंप्लेनेंट हैगे हाँ तो आफ्टरऑल जो क्रिमिनल ट्रायल है इट हैज़ टू बी कलमीनेटेड एट द अर्लीएसट वाई टू डिलेट वाई टू ड्रैग इट ऑन। तो CBI वालों अज कोई कागज पत्र पेश किया गया जी नहीं अज असी मैं ये ऑब्जेक्शन लिता सीगा कि देखो एप्लीकेशन लगाती है कि CBI ने अपनी रिव्यू एप्लीकेशन जी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग पई आ उहदा रेफरेंस देके बट वो भी नाल स्टेटस रिपोर्ट तो देनी चाहिए सी कि उत्थे इन्होंने की किया उहदा स्टेटस की हैगा रिव्यू एप्लीकेशन ग्राउंडस की हैगियां ने SLP दे ग्राउंड सीगियां एक बार नाल एनैक्स हो जाती है सानू भी कन्वीनियंट हो जाता हूँ असी पॉइंट लिता है दैट्स मीयर एप्लीकेशन रेफरिंग टू द रिव्यू एप्लीकेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उदा नहीं गल बनेगी दे नीड टू गिव द डॉक्यूमेंटेशन कंसर्न तो रिस्पोंसिस तो ही बनगिया हूँ जो रिस्पोंस दे हूँ कहते रिस्ट्रेंट कर दो रिस्ट्रेंट ऑर्डर पास कर दो रिस्ट्रेंट ऑर्डर पास कर दो पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जी रिव्यू एप्लीकेशन पेंडिंग पई है वो पेंडेंसी करके रिस्ट्रेंट ऑर्डर इतने पास जो हो तो वो तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं ऑर्डर की पास करना सी या की करना या की किया होएगा वो तो रिकॉर्ड चाहिए ही है ना सानू तो ही असं इतने सबमिशन देवे ना सो आई मेड अ पॉइंट लेट दम गिव द रिकॉर्ड टू अस वील रिस्पोंड अकॉर्डिंगली। तो फिर अगर की जवाब आया जी सर वो हूँ 20 तरीक जज साहब ने लाई हाली ऑर्डर जी आया नहीं है गए ऑर्डर हाली ना मेरे ख्याल शाम तक या कल अपलोड होंगे तो दैन वे आई हैव मेड माई सबमिशंस दैट आई कैन फाइल अ रिप्लाई एंड आई कैन बटरस माई क्लेम माई असर्शंस ओनली इफ द रिकॉर्ड इज देयर विद मी द लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट। सरकार ने जी सिट बनाई है जी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन अगे रोकने वास्ते कुछ किया जज साहब ने असी क्या कि जी रिस्ट्रेंट ऑर्डर पास करने का परपज नहीं है इन्वेस्टिगेशन पहली गल तो स्टे होनी नहीं चाहिए बेसिकली लॉ भी है कि इन्वेस्टिगेशन शुड गो ऑन इन्वेस्टिगेशन स्टे कराने का एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का कोई परपज नहीं बनता कोई रीज़न नहीं बनेगा तो एक जे इन्वेस्टिगेशन स्टे करते हैं ऑनरेबल कोर्ट की जी पावर हैगी है जिस ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसमिस करती जी सॉरी रिट पिटीशन डिसाइड करती जिसमें सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मैटर डिसमिस हो गया CBI का हूँ इस ऑनरेबल कोर्ट तो रिस्ट्रेंट ऑर्डर पास कराना कि रिव्यू एप्लीकेशन पेंडिंग इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट ना। अगली तरीक 20th of July हाली ऑर्डर आ जाएगा तो मैं कॉपी भी दे दाँगा तो मैं भी देखनी हाली ऑर्डर हाली आएंगे फिर दैन विल गिव अ कॉपी टू योरसेल्फ आल्सो 20th July पई हैगी है। ओके थैंक यू बल सर। ओके सो एडवोकेट GS बल ने दस्या हैगा जो कि कंप्लेनलैंड के एडवोकेट है कि इसे कोर्ट के CBI ने एक फाइल किया 2019 के क्लोजर रिपोर्ट फाइल की सी कि जो बेअदबी के मामले है उन्होंने बंद किया जाए क्योंकि उन्होंने अगे कुछ कढ़न पाने वास्ते नहीं है तो ना ही कोई पुख्ता सबूत ने। परंतु जदों DIG रणवीर खटड़ा वालों इस मामले की जांच करके 11 बंदे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया तो हुण CBI निकल के सामने आ गई है तो अपनी नाकामी छुपा रही है। CBI का यह तर्क हैगा कि इस मामले की एक जिहड़ी पटीशन हैगी सुप्रीम कोर्ट के पेंडिंग पई है तो इस करके इस मामले की कोई भी जांच अगे नहीं होनी चाहिए तो इस जांच को रोकया जाना चाहिए। परंतु CBI के कोल यह कहने वास्ते जरूर सी तो उन्होंने को इस बाबत जो कागजात से वो पूरे नहीं सी सो इस करके जज साहब ने अज GS सेखों जज है CBI कोर्ट के उन्होंने अज कहा है कि सारे कागजात जो कि इस केस के संबंधित ने सारे उन्होंने सामने पेश किए जाने अगली जी डेट हैगी 20 जुलाई निश्चित की गई है तो 20 जुलाई में ही अगली सुनवाई होगी।
कैमरामैन सुनील दे नाल सुशील गर्चा दैनिक सवेरा मोहाली। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन्हां चोरा ठग्गा तो सावधान स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लव मैरिज पति पत्नी च अनबन विदेश च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84374 94647 84374 94648।